नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम आपका स्वागत करते हैं रोजगार इंडिया की एक नई वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से आई नई नोटिफिकेशन के बारे में। नई वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ये वैकेंसी किन पोस्ट के लिए यहाँ पर निकाली गई है, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होने वाला है। तो बिना देरी करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं नेशनल हेल्थ मिशन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो यहाँ से निकाला गया है। चलिए बिना देरी करे चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा निकाली गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए निकाली गई है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वैकेंसी PHN ट्यूटर की पोस्ट के लिए यहाँ पर निकाली गई है। PHN मतलब पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर की पोस्ट के लिए यहाँ पर निकाली गई है। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पोस्ट यहाँ पर डिवाइड की गई है। आप देख सकते हैं OBC वालों के लिए यहाँ पर 55 पोस्ट हैं, SC वालों के लिए यहाँ पर 41 पोस्ट हैं और ST वालों के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट हैं। आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी यहाँ पर 100 देखने को मिल रही है, काफी बम्पर भर्ती है। तो बिना देरी करें जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कैसे करना है वो भी हम वीडियो के अंत में आपको बता देंगे। बात करते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है, वो फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये फॉर्म 11 अगस्त 2022 से यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं और 21 अगस्त 2022 तक यहाँ पे फॉर्म चलने वाले हैं। तो बिना देरी करें जल्द से जल्द जाके इसमें अप्लाई कर दीजिए। बात करते हैं आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन की। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर BSc से आपकी नर्सिंग की यहाँ पे डिग्री आपके पास होनी चाहिए और मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिक का, जो कि इन लेबर रूम में आपका यहाँ पर होना चाहिए। देख सकते हैं MSc नर्सिंग की आपकी डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का आपका क्लिनिक एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबर रूम में। यहाँ पर सारी चीज दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। और आपकी एज की बात करें तो यहाँ पर आप लेस देन 40 ईयर्स, 40 साल से कम की जो कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो सैलरी यहाँ पर आपको 35,000 पर मंथ की सैलरी देखने को मिलती है, जो काफी स्मार्ट सैलरी है। आप इसमें ऑनलाइन इसमें आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको ये फॉर्म फिल करना होगा इनकी दी गई ऑफिशियल वेबसाइट पर। उस साइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अपर एज लिमिट जैसा कि मैंने आपको यहाँ पहले बता चुका हूँ, 40 साल आपके यहाँ पर अपर एज लिमिट है। यहाँ देख सकते हैं आपको एज में रिडक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पर एज में रिडक्शन देखने को मिल रहा है। OBC, SC और ST वालों के लिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है 10 साल का, यहाँ जनरल वालों के लिए OBC के 13 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हम आपकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें आपकी एप्लीकेशन फीस बिल्कुल 0 है। आपको कोई यहाँ पर पैसे नहीं देने हैं फॉर्म भरने के, तो इससे अच्छा मौका नहीं होने वाला है। जल्द से जल्द जाकर इसमें ऑनलाइन आवेदन आप कर दीजिए। आप यहाँ देख सकते हैं आपको इसमें ऑनलाइन ही यहाँ पर आवेदन करना है, ऑनलाइन आपको फॉर्म यहाँ पर फिल करना होगा दी गई ऑफिशियल साइट पर। इस साइट का लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से आगे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर 10th की मार्कशीट लगने वाली है, 12th की मार्कशीट यहाँ पर लगने वाली है, BSc नर्सिंग की जो मार्कशीट है वो भी आपके यहाँ पर लगने वाली है। आप देख सकते हैं आधार कार्ड आपके यहाँ लगने वाला है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। आप पूरी चीज यहाँ पर देख सकते हैं, 3 महीने की बैंक की स्टेटमेंट लगनी चाहिए। आपके सैलरी प्रूफ के लिए यहाँ पर मांगी गई है, वो यहाँ पर लगेगी। यहाँ पर आपके फोटो का कुछ यहाँ पर मेन चीज दी गई है, आप उसे एक बार पढ़ सकते हैं। आपका फोटो यहाँ पर कैसा होना चाहिए, 3 महीने यहाँ पर पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड लाइट होना चाहिए। आप देख सकते हैं आपके सिग्नेचर भी यहाँ पर बताए गए हैं किस पेज पर, व्हाइट पेज पर, जैसे कि देख सकते हैं व्हाइट पेज पर ब्लैक इंक से आपके सिग्नेचर यहाँ पर होने चाहिए। आप देख सकते हैं पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप एक बार इसे केयरफुली पढ़ जरूर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पर आपका ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है, आप इसका प्रिंट निकलवा लीजिए, इसको पूरा फिल कर लेना, इसको A4 साइज पर इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। इस सर्टिफिकेट का हम अलग से एक लिंक बनाकर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप उसे सीधे यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आपके यहाँ पे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है, इसको पूरा फिल कर लीजिए, भर दीजिए। इसका लिंक भी हम अलग से वीडियो में बना के दे देंगे, इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके इनको डाउनलोड कर लीजिए, इनका प्रिंट निकलवा लीजिए और फॉर्म को जल्द से जल्द आ जाके फिल कर दीजिए बिना देरी करे। हमने आपको पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन की वीडियो में दे दी है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इस नोटिफिकेशन समझने में या फॉर्म को फिल करने में, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब तुरंत दिया जाएगा। हम आपसे विदा लेते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।